एंड वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं आपके साथ मोस्ट अफोर्डेबल ज्वेलरी हॉल लेके आई हूँ जो मैंने मीशो से परचेज़ किया था। अगर आपको पता नहीं है कि मीशो क्या है, तो मीशो एक ऐप है जिसके थ्रू आप परचेज़ भी कर सकते हैं, सेल भी कर सकते हैं अपना प्रॉफिट मार्जिन रख के। डिटेलिंग में मैं आपको वीडियो में एंड में बता दूंगी, बट अभी चलते हैं वीडियो के डिटेलिंग पे कि कौन कौन सा मैंने ज्वेलरी लिया है। ये मुझे मैसेजेस आए थे इंस्टाग्राम पे कि आप ज्वेलरी कहाँ से लेते हो, तो मैंने सोचा एक शॉर्ट नोटिस पे एक ज्वेलरी का हॉल बना लूँ। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किए हैं तो फॉलो कर लीजिए, आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे। और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और थोड़ा सा भी वीडियो हेल्पफुल या एंटरटेनिंग लगे तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अगर आपको ये मेकअप पसंद आ रहा है और मेरा आउटफिट पसंद आ रहा है, तो आप मेरा प्रीवियस वीडियो चेकआउट कर सकते हैं कि ब्लैक साड़ी को स्टाइलिंग करने का डिफरेंट ऑप्शंस मैंने बताया है, तो ज़रूर चेकआउट कीजिएगा, उसका भी लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे। इसके अलावा अगर आपको बाकी सब ट्यूटोरियल मेकअप का देखना है तो उसका भी लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे, आप चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अब वीडियो के डिटेलिंग पे। पहला नेकलेस है, आप बोल सकते हैं ये चोकर ब्लैक कलर का मैंने लिया था। यही साड़ी के लिए ही मैंने परचेज़ किया था, और ये साड़ी भी मैंने मीशो से लिया हुआ है। मैं दूसरा वीडियो एक बनाऊंगी सिर्फ साड़ी के ऊपर। तो एनीवेज़, तो ये चोकर जो है मेरे को कॉस्ट 389 हुआ था। एनीवेज़ अभी मैंने प्राइस चेक किया लेटेस्ट, तो इसका कम हो गया है 359। ये कम ज़्यादा होते रहता है। बहुत ही ब्यूटीफुल सा चोकर है, कुछ इस तरह से बहुत ही क्लासी एकदम एलिगेंट सा लुक देता है। इस कोई भी ब्लैक आउटफिट के साथ आप पहन सकते हैं विद गोल्डन, बहुत ब्यूटीफुल है और कॉस्ट भी ज़्यादा नहीं है, 359। दैट मीन्स बहुत अच्छा है। इसके साथ ईयरिंग्स भी मुझे मिला है जो बहुत स्मॉल है, चोकर के साथ वैसे भी ईयरिंग्स स्मॉल ही मिलते हैं, कुछ इस तरह से स्टोन वर्क है आप देख सकते हैं, और नीचे में एक पर्ल अटैच्ड है ब्लैक कलर में, बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है ये। अगर आप हाई पोनी करते हैं और ये चोकर पहनते हैं और उसी के साथ ये छोटा सा ईयरिंग्स पहनते हैं, बहुत ही क्लासी लुक आता है। तो ये है मेरा फर्स्ट वाला चोकर नेकलेस सेट। अभी चलते हैं सेकंड वाला। नेक्स्ट जो मेरा सेट है, बहुत ही ब्यूटीफुल सा सेट है, आप देख पा रहे हैं माँ दुर्गा का पेंडेंट है एंड ऑक्सीडाइज सिल्वर ऑक्सीडाइज्ड में है, और इसके साथ ये जो थ्रेड है ये हैंडमेड है। इसी के साथ आपको ये एडजस्टेबल थ्रेड दिया गया है, आपको जितना चाहिए उतना आप टाइट करके बांध सकते हैं। मैं चाहे तो इसके पिक्चर्स जो मैंने पहन के फ़ोटोज़ लिया था उसका मैं प्रोवाइड कर दूंगी। मैं सारे पिक्चर्स तो पता नहीं मैंने लिया है कि नहीं, मैं देखती हूँ, अदरवाइज़ मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी साइड में। एनीवेज अगर बात करें हम नेकलेस का, तो आप देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल सा पेंडेंट है, और एक अच्छा सा ये जो नेकलेस का एंड पे दुर्गा माँ का ये पेंडेंट है, इसी के साथ ये साइड में इस तरह से है, और ये वाला जो है ये कॉटन थ्रेड है, तो बहुत ब्यूटीफुल लगता है। इसका एक खासियत है कि आप इसको पहनो ना तो इतना हैवी नहीं लगता है जितना, मतलब ये पेंडेंट की वजह से इसका लुक तो बहुत आता है, एट द सेम टाइम इतना ज़्यादा हैवी भी नहीं लगता है। इसको अगर इस तरह से आप एज एन चोकर पहनो तो भी ब्यूटीफुल लगता है। आप कोई भी कुर्ती साड़ी या किसी में भी आप पहन सकते हो, यू नो, मतलब इंडो वेस्टर्न हुआ किसी में भी आप पहन सकते हो, बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है। और इसको आप चाहें तो लॉन्ग एज एन लॉन्ग नेकलेस इस तरह से भी पहन सकते हैं, या तो आप ऐसे शॉर्ट करके भी पहन सकते हैं। मेरा ये वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट पेंडेंट है मैंने जो लिया था, और प्राइस की बात करूँ तो ये 359 कॉस्ट हुआ था। इसी के साथ मुझे दो ईयरिंग्स मिले थे जो कि बहुत ही छोटे हैं, इस तरह से छोटी सी झुमकी है और एकदम क्यूट सा है। इसमें भी दुर्गा माँ का पिक्चर्स है, इमेजेस है, आप देख सकते हैं, बहुत स्वीट लगता है। मतलब ये इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि अगर आप ये बहुत हेवी पहन रहे हैं तो उसके साथ ईयरिंग्स आपको छोटा सा आ रहा है, तो इस पर ही ज़्यादा फोकस जाता है और बहुत सुंदर लगता है, मुझे बहुत पसंद आया। ये सारे जितने भी ज्वेलरीज है इसके कोड मैं प्रोवाइड कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे, आप चाहे तो मीशो ऐप में जाके डायरेक्टली कोड डाल के आप परचेज़ कर सकते हैं। इसके डिफरेंट सारे कलर्स भी थे जब मैंने परचेज़ किया था, तो मुझे ब्लैक के लिए लेना था जो सारे आउटफिट पे होते हैं, तो मैंने ब्लैक लिया था। अब चलते हैं थर्ड ज्वेलरी की तरफ। तो मेरा जो थर्ड ज्वेलरी है वो भी बहुत ही ब्यूटीफुल सा हैंडमेड ज्वेलरी है, आप देख सकते हो, मैं आपको पास से दिखाती हूँ, पहले आप देख लो कितना ब्यूटीफुल है। ये सारा पर्ल का वर्क है, मतलब छोटे छोटे पर्ल्स जो होते हैं ना उसी का ही ये सारा बना हुआ है, ऐसे नीचे में ऐसा कुछ आएगा और इस तरह से। ये एक लॉन्ग नेकलेस है
बट इसमें दिक्कत ये है कि आप एडजस्टेबल नहीं है, ये सिंपल मतलब दिया है, बट यस आप अगर चाहें तो इसको कुर्ती या साड़ीज में भी पहन सकते हैं। इसका भी मैं पिक्चर्स प्रोवाइड कर दूंगी अगर होगा तो। देखिए कुछ इस तरह से रखता है, बहुत ही क्लासी और ब्यूटीफुल सा लुक आता है। मतलब आप कोई भी ट्रेडिशनल साड़ी पहनते हो सिल्क के साड़ी के साथ ना, ये अगर पहनते हो हैंडमेड का तो बहुत ही ब्यूटीफुल लगेगा। एंड इसी के साथ दो ईयरिंग्स आया है जिसके में हुक है, हुक वाले है, इसका कुछ पैच वाले नहीं है, ऐसा हुक वाले है एंड सिंपल सा इस तरह से है। और इसका प्राइस है 468 एंड अभी उसका प्राइस शायद तक मैंने चेक किया तो थोड़ा कम है, तो आप चेक कर सकते हैं, लेकिन बहुत वर्थ ऑफ मनी है। 468 में आप अगर देख रहे हैं कुछ हैंडमेड ज्वेलरी और कुछ अच्छा सा क्लासी सा लुक देखना चाह रहे हैं, अभी अपकमिंग फंक्शन सारे भी ओकेजन्स भी आते हैं आ ही रहे हैं दिस सीजन के, तो आप चाहें तो ये ले सकते हैं। 468 में बहुत ही खूबसूरत सा ज्वेलरी है, हैंडमेड है। सो अब चलते हैं फोर्थ ज्वेलरी के। तो जो मेरा फोर्थ ज्वेलरी है सेम जो मैंने ब्लैक दिखाया है उसी तरह का ही, उसी पैटर्न का है, बट हाँ इसमें डिज़ाइन थोड़ा सा डिफरेंट है और प्राइस भी 468 ही तभी पड़ा था मुझे, या तो थोड़ा सा आगे पीछे रहेगा मुझे याद नहीं है, मैं आपको कोड प्रोवाइड कर दूंगी। वैसे भी प्राइसेस कम होते रहते हैं, पहले आप देख लो ज्वेलरी कितना खूबसूरत है, डिज़ाइन उससे थोड़ा सा अलग है एंड ये वाइट में है, वो ब्लैक में था, व्हाइट में डिफरेंट मल्टी कलर्स है, आप चाहे तो कोई भी साड़ी इसके साथ पहन सकते हैं, लेकिन ये बहुत ब्यूटीफुल लगता है। देखिए ऐसे यहाँ पे भी ना बहुत सारा वर्क किया हुआ है, सेम पर्ल का ही वर्क है विद डिफरेंट कलर्स, बहुत ही खूबसूरत लगता है अगर आप पहनोगे इसे कोई भी साड़ी इसके साथ जिसके साथ ये मतलब जाए। बेसिकली आप अगर ट्रेडिशनल साड़ी पहनते हो ना उसके साथ ये बहुत ही अच्छा लगता है, खूबसूरत लगता है। और इसी के साथ भी ईयरिंग्स वैसे ही सेम प्रोवाइड हुए थे ऐसे हुक वाले में, इसका वो वाइट रहेगा नेकलेस और इयररिंग्स रेड है, तो मतलब मल्टी कलर है, नीचे में सारे पर्ल्स डिफरेंट कलर के दिए हुए हैं। प्राइसेस इसका भी सेम था, प्राइस सेम दोनों का ही मैंने लिया था, एक ही साथ लिया था, तो 468 ही है अराउंड, या फिर थोड़ा सा कम ज़्यादा होगा, अभी अभी का लेटेस्ट प्राइस मैंने चेक नहीं किया है। सो चलिए चलते हैं नेक्स्ट ज्वेलरी के तरफ। बहुत ही ब्यूटीफुल सा है और इसके लिए ही मुझे बहुत मैसेजेस तो नहीं, इनफैक्ट 10 मैसेजेस तो मुझे आए थे जब मैंने इसका फोटोज डाला था, मतलब एक साड़ी के साथ मैंने मेरे मॉम का जो साड़ी था पुराना वाइट कलर का, तो बहुत ही सिंपल सा जो सिल्क साड़ी बोलते हैं ना वाइट एंड रेड बॉर्डर में, मैंने वो पहना था और एक लुक रिक्रिएट किया था। अगर आप चाहें तो इंस्टाग्राम में चेकआउट कर सकते हैं, उसका पिक्चर्स अगर होगा तो मैं प्रोवाइड कर दूंगी, अदरवाइज आप इंस्टाग्राम में चेकआउट कर सकते हैं। बहुत ब्यूटीफुल लग रहा था, बहुत ही ज़्यादा मतलब ये ज्वेलरी ना आपका लुक ही चेंज कर देता है, मतलब आप सिंपल सा भी साड़ी कोई प्लेन साड़ी विथ बॉर्डर पहन रहे हो ना और ये ज्वेलरी आप पहन ले रहे हो तो मतलब एक जो बोलते हैं ना एकदम अच्छा रॉयल लुक देता है, ये सेम देता है। देखिए कितना सुंदर कुंदन वर्क है और मतलब मैं इसको यूज़ कर चुकी हूँ 2-3 बार, बट मतलब स्टोन का कोई इश्यूज़ नहीं है क्योंकि ना ये मतलब स्टोन वर्क देखिए, मतलब ना थ्रेड वर्क नहीं है कि कहीं से भी कट जाएगा, ये फिटेड है, मतलब अंदर पूरा फिटेड है। आप अगर ये हैंड भी लगाओगे तो ऐसा कुछ इचीनेस या कुछ नहीं है, ये दोनों जो है यहाँ साइड पे ये भी बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है, मतलब आप यहाँ से शुरू करोगे पूरा एंड तक इतना ब्यूटीफुल लगता है, एकदम रॉयल लुक देता है ये नेकलेस, मेरा बहुत फेवरेट है। इसको आप कोई भी मतलब रेड हो ब्लैक हो ऑरेंज हो या कोई भी कलर की साड़ी, मोस्ट ऑफ द साड़ीज में ये चला जाएगा क्योंकि ये रेड और व्हाइट में है। ग्रीन का कुंदन जो रहता है ना, ग्रीन वाले कुंदन वो और एक रेड हर मतलब ब्राइडल वाले में भी चल जाता है, जो हम बड़े बड़े नेकलेस पहनते हैं तो मैक्सिमम हम रेड या ग्रीन ही पहनते हैं, ओलकी सेट हो या फिर ऐसा कुंदन वाला, तो ये बहुत अच्छा है। और इसके साथ भी ना ये जो स्ट्रिंग है डिटैच मतलब एडजस्टेबल वो भी मिल रहा है आपके साथ, और इसी के साथ इसके नीचे भी देखो आप कितना सुंदर ब्यूटीफुल सा है, मुझे बहुत पसंद है यार ये, मुझे ना वन ऑफ मेरे जितने भी मैंने ज्वेलरी लिया था ना सबसे फेवरेट मेरा ये है। और इसी के साथ ना इसका ईयररिंग्स आ रहा है इस तरह से, और ईयरिंग्स भी बहुत सुंदर है, ऐसा नहीं है कि एकदम छोटा ईयरिंग्स है, देखो आप कितना सुंदर ईयरिंग्स है, मतलब अच्छा लगता है ये पहनो तो, उसी के साथ ना कॉम्प्लीमेंट करता है। इसका प्राइस जो है 623 है, बाकी अभी कितना है मुझे नहीं पता, आप चेक कर लेना, मैं कोड प्रोवाइड कर दूंगी। तो चलते हैं मेरे नेक्स्ट ज्वेलरी पर। ज्वेलरी है ये ऑलमोस्ट सारे साड़ीज में हो जाते हैं, जो भी मेरा गोल्डन वर्क का काम रहता है ना उसमें बहुत अच्छे से फिट हो जाते हैं। ये चोकर जैसा है, इनफैक्ट चोकर ही है आप बोलोगे तो,
इसमें देखिए आप, अगर मैं पास से दिखाती हूँ, आई डोंट नो कितना कैमरा कैच कर पा रहा है, बट यहाँ पे ना गणपति जी का मोटिव है, मतलब डिजाइन है। देखिए पूरे पूरे छोकर पे, पूरे चोकर पे पूरा मतलब गणपति जी का डिज़ाइन है। ये सारे गणपति जी के इमेजेस हैं। मुझे इसीलिए ये बहुत पसंद आया, मतलब कोई भी फंक्शंस होता है मुझे ये मैं फर्स्ट प्रेफर करती हूँ पहनने के लिए। ये डिज़ाइन मुझे बहुत अच्छा लगा, एंड एट द सेम टाइम इसके नीचे जो पर्ल वर्क है ना, ये एक ट्रेडिशनल लुक देता है आपके अटायर को। और इसी के साथ इसके पीछे अगर देखें तो ये मतलब तार से ना ये पूरा स्टिच्ड है। इसी के साथ ये एडजस्टेबल वाला स्ट्रिंग आता है, और इसका इयररिंग्स भी बहुत खूबसूरत सा है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये है, इस पे भी गणपति जी का इमेज बना हुआ है, और एक छोटा सा प्यारा सा इयररिंग्स है। मतलब चोकर आप पहनोगे तो बहुत ही अच्छा लगता है, उसी के साथ ये इयररिंग्स कॉम्प्लीमेंट आते हैं। और इसका जो प्राइस है 535, मतलब 535 आया था मुझे। अभी का प्राइस आप चेक कर लेना अगर आपको ये पसंद आ रहा है तो, कुछ इस तरह से बहुत सुंदर ट्रेडिशनल सा लुक देता है, बहुत प्यारा है। और ऐसा नहीं है कि ना ये फंसता है, मतलब ना कुछ कुछ होते हैं ज्वेलरी जो ना ऐसे गोल्डन कलर के रहते हैं, और दिखने में भी ना थोड़ा चीप लगते हैं, मतलब फोटोज़ वगैरह में अच्छे लगते हैं, बट क्वालिटी का बात अगर करें ना, गोल्डन कलर मुझे ज़्यादा पसंद नहीं आता है। मैं गोल्डन कलर का ज्वेलरी इसलिए ज़्यादा नहीं लेती हूँ या ज़्यादा नहीं पहनती हूँ, क्योंकि मुझे ना इतना ज़्यादा पसंद नहीं आता है। थोड़ा सा उसका क्वालिटी अगर अच्छा ना रहे ना तो फिर अच्छा नहीं दिखता है, फिर आप डे लुक में आप पहनो ना तो एकदम बेकार लगता है। लेकिन ये ज्वेलरी जब मैंने लिया ना, मुझे बहुत पसंद आया, क्वालिटी वाइज बहुत अच्छा है। ऐसा नहीं, एक होता है ना गोल्डन एकदम मतलब पता चल जाता है, देखो तो एकदम एकदम बेकार लगता है, मैं मतलब बोल नहीं सकती। कुछ कुछ ज्वेलरी है मेरे पास जो मैंने लोकल मार्केट से लिया था, तो वो ज्वेलरी मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। बट इसमें जो ये मीनाकारी वर्क है, आप बोल सकते हैं स्टोन है ना, इसको मीनाकारी बोलते हैं शायद, मेरे को डिटेलिंग में इतना नॉलेज नहीं है, बट स्टिल ये जो है स्टोन वाइज ना इसके में फिट है, ये भी बहुत सुंदर लगता है। आप डे में भी पहन सकते हैं, नाइट में भी पहन सकते हैं। एक ट्रेडिशनल सा लुक अगर चाहिए आपको तो ये आप पहन सकते हैं, बहुत ही अच्छा है। तो चलिए चलते हैं मेरे लास्ट ज्वेलरी की तरफ। जो नेक्स्ट ज्वेलरी है, लास्ट ज्वेलरी है, इसके बाद मैं एक इयररिंग दिखाऊंगी आपके साथ जो मैंने लिया हुआ था। मैं अलग से एक इयररिंग्स के लिए अलग सा सेशंस बनाऊंगी, बट फिलहाल मैं ये जो मीशो से मैंने लिया था, मैं सोचूँ एक ही साथ मैं कंप्लीट कर दूँ। तो अभी और भी मैं मंगवाने वाली हूँ, मंगाई भी हुई हूँ कुछ, तो मैं एक ही साथ शेयर करूँगी। वेल, अगर मैं बोलूँ आपको कि इसका प्राइस है ओनली 170, एंड अभी मैं चेक कर रही हूँ तो ये 150 दिखा रहा है, व्हाट मोर यू कैन गेट विद दिस मनी? हम 150 में क्या मिलता है बताओ? 150 में मतलब इतना अच्छा सा प्यारा सा सिंपल सा ज्वेलरी, अगर ग्रीन और वाइट में हम बात करें, जो कि हर मतलब साड़ीज या कोई भी चीज़ में चल जाता है। जब मैंने ये परचेज किया था ना, मेरे ग्रीन साड़ी है, मैं उसी के लिए परचेज की थी, बट मैं इसको कुर्ती में भी पहन लेती हूँ, ब्लैक कुर्ती के साथ भी पहन लेती हूँ, मतलब कोई सा भी थोड़ा सा अगर मैक्सी वाला ड्रेसेस हो या लॉन्ग ड्रेस हो उसके साथ भी चला जाता है। और पता है ये ना बहुत हेवी भी नहीं लगता है, मतलब जिनको हेवी ज्वेलरी पहनना पसंद नहीं है ना, बस खाली एक सिंपल सा ज्वेलरी चाहते हैं जो एकदम थोड़ा कॉम्प्लीमेंट दो अपने ड्रेस को, तो ये आप ज़रूर लें। और इसका स्टोन ऐसा नहीं है कि एकदम चीप क्वालिटी का है, एकदम भारी है यार, बहुत अच्छा है। मतलब जैसे स्टोन कुंदन के आते हैं ना, वैसे ही जो हम ब्राइडल ज्वेलरी सेट जिस क्वालिटी का हम लेते हैं उसी मतलब मतलब क्वालिटी का है। आप पीछे भी देखो इसका, बहुत अच्छे से ये स्टिच्ड है, और इसमें भी आपको एडजस्टेबल मिल जाएगा। और इसी के साथ इयररिंग्स एकदम छोटा सा मिल रहा है, अभी 170 में आपको इयररिंग्स भी मिल रहा है, एंड उसी के साथ अगर आपको मतलब नेकलेस भी मिल रहा है तो और क्या चाहिए यार, बहुत अच्छा है। मुझे ये बहुत पसंद आया, मैं हमेशा से इसको पहनते रहती हूँ, कोई भी साड़ीज़ हो या कोई भी कुर्ती हो, मैं इसको पहनते रहती हूँ, मुझे बहुत कंफर्टेबल लगता है। मैं ये सब ज्वेलरी ले लेती हूँ जो हेवी वाला है ना, मैं उसको नाइट के लिए कोई फंक्शंस रहता है तो पहनती हूँ, या कोई पूजा वगैरह हुआ ना तब मैं पहनती हूँ घर के लिए। लेकिन अगर बात करो आप बाहर जाने का, और मतलब तो इतना ज़्यादा मैं हेवी ज्वेलरी में प्रेफर नहीं करती हूँ, मैं ऐसे छोटा छोटा ज्वेलरी डे लुक के लिए स्पेसिफिकली, तो ये मुझे बहुत पसंद आया। अगर आपको पसंद आया तो ज़रूर चेकआउट करिएगा। अभी चलती हूँ और मैं आपको दिखाती हूँ इयररिंग्स, नेक्स्ट इयररिंग्स दिखा रही हूँ। आप पहले देख लो कितना ब्यूटीफुल सा इयररिंग्स है ये आई डोंट नो कितने बार मैंने इसको यूज़ किया है। अगर मेरे चैनल पे आप पहली बार आए हो और मेरे से पहली बार जुड़े हो तो डिफरेंट थिंग, बट अगर आप मेरे से मतलब
पहले भी जुड़े हुए हो तो आप देख सकते हो ये इयररिंग्स मैं बहुत बार पहन चुकी हूँ। मुझे इसके लिए भी इंस्टाग्राम में मैसेज आए थे कि ये मैंने कहाँ से परचेज किया है, जो कि इसीलिए मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर कर दूँ। देखिए राधा कृष्ण जी का इमेज है यहाँ पे भी ऊपर में। अगर बात करें हम इसकी क्वालिटी का तो बहुत ही A1 क्वालिटी है। मैं बोल रही हूँ इसको मैं 1 ईयर पहले ली थी और अभी तक आप देख सकते हैं कोई भी ब्लैकिश नहीं है, कुछ भी डलनेस नहीं है, सेम टू सेम है जैसे मैं परचेज की थी। कोई भी स्टोन इसमें ना स्टोन भी है, अगर कैमरा अच्छे से प्रॉपर कैच कर रहा है तो आप देख सकते हैं छोटा छोटा सा ना यहाँ पे स्टोन लगे हुए, वो स्टोन भी एक भी स्टोन ना उसमें से निकला नहीं है। तो आप क्वालिटी वाइज जज कर सकते हैं कितना ब्यूटीफुल है। इसी के साथ ना बेनिफिट ये है कि आपको ये चेन भी मिल रहा है, तो आप चाहे तो ये चेन को इस तरह से उसमें फिट करके आप लगा सकते हैं। क्योंकि मेरे पास दूसरे इयररिंग्स का चेन था ऐसे ही 3 लेयर वाला, तो मैं इसको यूज़ नहीं करती हूँ। तो जैसे कि मतलब वैसे ही रखा हुआ था, आज मैं खोल रही हूँ, देखिए इस पैकेट से मैंने खोला है, मतलब इसमें भी कोई रस नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो क्वालिटी वाइज आप बेफिक्र इसको परचेज कर सकते हो, अपने कस्टमर के लिए रीसेल के लिए भी आप इसको परचेज कर सकते हो, बहुत ही अच्छा है। और इसका प्राइस है 352 या 353 के विदिन, तो 352 और 353 में क्या मिलेगा यार, इससे अच्छा और क्या मिल सकता है। अगर आप मतलब ज्वेलरी पहनना पसंद नहीं करते हो, सिर्फ इयररिंग्स पसंद करते हो, तो ऐसा एक हैवी इयररिंग्स डाल दो, आपका मतलब पूरा कंप्लीट है, लुक पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो अभी मैं बात करूँ अगर मीशो के ऐप के बारे में, तो मीशो ऐप से आप परचेज रीसेल दोनों कर सकते हो। आपको बस ये करना है, इसमें से अगर आपको कुछ पसंद आ रहा है तो आप कोड उसमें फिट कीजिए, सर्च बटन में जाके आपको पर्टिकुलर प्रोडक्ट मिल जाएगा कोड के साथ। उसके बाद आपको अगर अपने लिए परचेज करना है तो सेम प्राइस डालिए, और अगर कस्टमर के लिए परचेज करना है तो वो अपना बेनिफिट रख के आप 50, 100, 150 जैसे कस्टमर के साथ डील होता है उसी तरह से आप उसमें ऐड ऑन कर लीजिए अपना मार्जिन। जैसे ही कस्टमर को रिसीव होता है प्रोडक्ट आपके बैंक पे, वो पर्टिकुलर मार्जिन अमाउंट आपके बैंक पर ट्रांसफ़र हो जाता है। अपार्ट फ्रॉम दिस इसका बेनिफिट ये है कि आप चाहें तो रिटर्न या एक्सचेंज भी कर सकते हैं विद द पिक्चर्स। आपको कस्टमर को बोलना है कि पिक्चर्स मतलब रीसेंट जो रिसीव करने के बाद जो पिक्चर्स होता है उसको क्लिक करके वो आपको सेंड करें, तो इसी से ही आपको पता चल जाता है कि कस्टमर्स को मतलब सही रिसीव हुआ है कि नहीं। और वो ऐप में भी आपको पिक्चर्स पर्टिकुलर मांगता है कि आपका क्या प्रॉब्लम है। तो अदरवाइज एक्सचेंज और रिटर्न पॉलिसी बहुत इजी है, आराम से एक्सचेंज हो जाता है विद इन द पीरियड जो प्रोवाइड किया जाता है। तो ज़रूर चेकआउट कीजिए ये मीशो ऐप, आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे, उसी के थ्रू आप अगर करते हैं तो आपको डिस्काउंट भी मिल जाता है क्योंकि आप फर्स्ट परचेज करते हैं। तो इसी के साथ मैं वीडियो को एंड करती हूँ, बट इससे पहले मैं थैंक यू बोल दूँ मेरे न्यू सब्सक्राइबर को जो मेरे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत अच्छा लगता है आप लोग मेरे साथ जुड़ते रहते हैं, मैं इसी से इंस्पायर होती हूँ कुछ डिफरेंट वीडियोज़ लाने का। अपकमिंग भी मैं आपके साथ बहुत सारा शेयर करूँगी, बिकॉज मैंने और भी ज्वेलरी ऑर्डर किया हुआ है, उसी के साथ मैं ड्रेसेस वगैरह साड़ीज वगैरह भी ऑर्डर करते रहती हूँ, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। सो मेरे साथ जुड़े रहिएगा, सी यू सून विद अनदर वीडियो। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। बाय बाय।